मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जैसे उज्जैन में महालोक बनाया वैसे ही ताप्ती महालोक बनाएंगे। बैतूल में जितने बड़े बांध बने वो हमने बनाए, जितने प्रस्तावित बांध है वो भी बनाए जाएंगे। मुलताई पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, पहले जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार के निवास पर पहुंचे और स्वास्थ्य को लेकर हालचाल जाने। इसके बाद चौहान ताप्ती सरोवर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मुलताई में भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख के पक्ष में आम सभा को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताई और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हमेशा रोते रहते थे कि पैसा नहीं है और हमारी शिकायत करते हैं। हमने बहनों के लिए लाडली बहना योजना शुरू की, जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। कांग्रेसियों सुन लो, शिवराज सिंह चौहान बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मेरे लिए जीवित जागृत देविया है, जो मेरी बेटियां है। लेकिन कांग्रेस बड़ी परेशान है, चुनाव को लेकर मामा की शिकायत। बोले मामा को कहता है चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे बहनों, 10 तारीख फिरा रही है, 10 तारीख फिरा रही है। चुनाव में सीधे पैसे नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे चुनाव के समय आचार संहिता के कारण इन्हें कहते पैसे नहीं डालूंगा। लेकिन तुम्हारे सबके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, चिंता मत करना, उसका इंतजाम मैंने कर दिया। तो कांग्रेस ट्वीट कर रही है चुनाव आयोग में शिकायत। कांग्रेस तो अजब गजब हो गई है। पहले सोनिया कांग्रेस से, कमलनाथ कांग्रेस ही। कमलनाथ जी ने ले ली, उनके बेटे नकुलनाथ ने टिकट बांट दिए। और बाद में जब गदर हुआ तो कमलनाथ जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, जबर रंग के कपड़े फाड़ो। तो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई। और बाद में जब फिर और गदर मचा तो अब कई टिकट बदल रहे, कुछ बदल भी दिए। तो टिकट बदल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस घबराई है, परेशान है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं जनता का आभारी।